I've been दोस्तों अभी आप लोगों ने जो प्रीव्यू देखा है कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल टेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक नोटिस है, आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, तो आपको हर एक स्टेप आसानी से क्लियर हो पाएगी। ओके दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप बाद में कमेंट मत कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह का कमेंट मत करना, क्योंकि मैं वीडियो में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और आप लोग जो है वीडियो पूरा ही नहीं देखते हो, आधी वीडियो के अंदर ही कमेंट कर देते हो कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको सारा सल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही, तो आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, इस तरह का कमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुन लेना कि इस वीडियो के अंदर मटेरियल लिंक देने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप खुद से भी ये कर सकते हो। ओके दोस्तों, इसलिए मैं कोई किसी भी चीज़ की मटेरियल लिंक नहीं देने वाला। ओके, आप खुद से भी कुछ करो। ओके, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है, आप इजीली और आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फ्री फायर को ओपन कर लेना है, देन आपको कुछ इस तरह से एक बंडल को पहन लेना है। ओके, आपका फेस जो है वो जोकर का होना चाहिए, बंडल आप कैसा भी पहन सकते हो। ओके दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ इस तरीके से पोजिशन को सेट कर लेना है। ओके दोस्तों, और अब क्या करना है, आपको एक इमोट दिखाना है, आपको जो भी इमोट अच्छा लगे वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ओके दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से इमोट बताकर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेना है, वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। ओके दोस्तों, देन आपको क्या करना है कि दूसरा बंडल पहनना है, आपका फेस वही होना चाहिए, और आपको सिंपली क्या करना है कि बंदे को कुछ इस पोजीशन पे खड़ा कर देना है, आपको कुछ इस पोजीशन से। ओके, और सिंपली स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, और अब आपको बैक चले जाना है। इतना करने के बाद आपको अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, काइन मास्टर को ओपन करके देन आपको ये वाली साइज को सिलेक्ट करना है 9x16। ओके, और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने जो अभी फ्री फायर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग किया है उसको सिंपली ऐड कर देना है। ओके, तो मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको ऐड कर दिया है। इस पर सिंपली टैप करना है और यहाँ पे ये वाला आइकन दिखेगा आपको इरेजर और साउंड के बीच में, तो इस पर आपको टैप करना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे साइड में जगह रखनी है, तो पहले आपको बराबर वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है और राइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने स्पेस रखा है अपने दूसरे कैरेक्टर को रखने के लिए। ओके दोस्तों, वैसे दोस्तों मैंने गेम के अंदर आपको बता दिया था किस तरह से आपको इसको प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे मतलब कि प्ले करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ओके दोस्तों, मुझे जहाँ से भी रखना है मैं वहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हटा देता हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरह से हटा देना है। तो दोस्तों लास्ट में ये देखो, आपका जैसे इमोट ख़त्म हुआ और इसका फेस इस तरफ आया, तो आपको यहीं पर रोक देना है। ओके, और पीछे से ट्रिम कर देना है और राइट कर देना है, और सिंपली यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। तो मीडिया पे क्लिक करना है, इमेजेस पे क्लिक करना है, और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओके, जितना आपका सॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आप क्या करना दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप के लास्ट में आ जाना है। ओके, और इसका आपको फोटो क्लिक कर देना है, ये जो है मतलब कि ये जो पोजीशन है इसका आपको एक फोटो कैप्चर कर लेना है, तो इस वाले आइकन पे आपको टैप करना है, कैप्चर एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब सारा काम बाहर का है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको एक इरेजर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसकी हेल्प से आपको आपने जो गेम में स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने आपको बताया था कि आपको इस कैरेक्टर का बंडल चेंज करके कुछ उस तरफ मूव करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, नहीं पता है तो आप वीडियो फिर से देखिए, इसीलिए कह रहा था मैं, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, तभी आप समझ पाओगे। तो उस फोटो का जो है स्क्रीनशॉट का आपको PNG बना लेना है, मतलब कि ये कैरेक्टर आपको पूरा निकाल लेना है और किसी भी एप्लीकेशन से दोनों को मर्ज कर देना है। ओके, या तो आप पिक्सआर्ट की हेल्प से कर सकते हो,
मतलब कि आप जो भी यूज़ करते हो या फिर स्नैपसीड है, आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने किस तरह से किया है मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करके बता देता हूँ, आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का रहेगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है उसके पिक्सल जो है फट जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने इसको लेयर में ऐड किया है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से मतलब कि इसके अंदर आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। ओके, तो अब आपको कुछ इस तरीके से इसको जूम कर देना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। आप इसको जितना भी जूम करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैं इसे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिलेगा। ओके दोस्तों, अब जो है सारा काम इफेक्ट का है दोस्तों, और सबसे पहले आपको सॉन्ग को ऐड कर देना है। ओके, ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आपको सॉन्ग को ऐड कर देना है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट को ऐड कर पाओगे। ओके, तो मैं सॉन्ग को ऐड कर देता हूँ और साथ में इफेक्ट को भी मैं ऐड कर ही देता हूँ। ओके, और फिर मैं एक एक करके आपको सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। ओके, तो आपको अच्छे से समझना है बस। ओके, तो दोस्तों मैंने सारी जगह पर मतलब कि इफेक्ट को ऐड कर दिया है, सॉन्ग को भी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैंने इसमें तीन इफेक्ट ऐड किए, सिर्फ और सिर्फ तीन इफेक्ट। आप इनको अच्छे से समझ लिए तो आपकी एडिटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है, मतलब कि आपको मज़ा आ जाएगा। ओके दोस्तों, एक ये वाला और एक ये लास्ट में। ओके, तो ये इफेक्ट आपको कहाँ से लेना है मैं पिछली वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको। ओके, ब्लेज वाला इफेक्ट आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया। ओके, पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना दिया। ओके दोस्तों, तो ब्लेज इफेक्ट को आपको ऐड कर देना है। सिंपली रही बात इन दोनों इफेक्ट की, तो ये इफेक्ट भी वहीं से लिए मैंने। ओके, कहाँ से? लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, और मैं आपको इन इफेक्ट के नेम बता देता हूँ कि ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो ये सारे इफेक्ट आपको काइनमास्टर के अंदर ही मिलेंगे, आपको बाहर से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस इफेक्ट का नाम है विगल, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ओके, और अगर आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको इस वाला आइकन पे टैप करना है, या फिर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट मोर, उस पर क्लिक करके ये इफेक्ट जो है आपको ढूंढ लेना है और डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, और सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, और इसकी सेटिंग जो है आप देख सकते हो, स्टाइल 4 रखना है, स्टार्ट एंड स्ट्रेंथ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और फ्रिक्वेंसी 5। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मुझे जितनी ज़रूरत थी उस इफेक्ट को मैंने उतना ही रखा है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब लास्ट वाला इफेक्ट जो है ये भी मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। इस इफेक्ट का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लिंकिंग लाइट्स। ओके दोस्तों, ब्लिंकिंग लाइट्स, ये इफेक्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा इसी तरह से। ओके, तो सिंपली इसको भी ऐड कर देना है। इसकी सेटिंग भी आप देख सकते हो कि मोड 1, एम्पलीट्यूड 60, फ्रिक्वेंसी 31, इसमें तीन सेटिंग ही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। इसका भी मुझे जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने इसको रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, और मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर वाइट भी दिख रहा होगा। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड ले रखा है। ओके, तो कहाँ से ले सकते हो? लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके, इमेजेस पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऐड कर देना है। ओके, और उसके बाद क्या किया मैंने, इसको ब्लेंडिंग पे जाके इसको ओवरले पर सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है क्रिएट कर पा रहा है। मैं थोड़ा सा प्ले करके बताऊँ, मतलब लाइट का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो एडिटिंग जो है कम्प्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में।